शहर के जनता को आवाम को शायद ये बात की मालूमात नहीं है कि हमारे शहर के एमएलए साहब मुफ्ती इस्माइल जो एमएलए हैं उनका अब हर साल का 4 करोड़ रुपया उनको गवर्नमेंट विकास निधि देती है डेवलप के लिए। पहले 2 करोड़ था, 1.5 करोड़ था, 3 करोड़ था, मेरे डे में 75 लाख था, अब 4 करोड़ पिछले साल से मिलने लगा। 4 करोड़ रुपया इनका आया नहीं, इन्होंने सिर्फ उसके अंदर से 92 लाख रुपया साल भर में खर्च कर पाए और 2.88 करोड़ रुपया लेट हो गया। 2.88 करोड़ रुपया लेस हो गया। अगर मैं समझता हूं कि अगर आमदार साहब को कम से कम किसी का मशवरा नहीं चाहिए, कम से कम अधिकारियों से मशवरा कर लेना, उनके जरिए आज उनके घर के बाजू वाले जैसे सुलेमानी चौक का जो रोड है पूरा खराब है, खस्ता है, कब्रस्तान का रोड पूरा खस्ता है, ऐसे अनेक रोड मालेगांव के उनके आसपास के जा रहते हैं, कई खस्ता रोड है। 4 कोटी के अंदर से अगर 4-1 करोड़ रुपए के बड़े बड़े रास्ते दे दे सीमेंट रोड, 4 अच्छे खूबसूरत रास्ते बन जाते हैं, उनका नाम भी होता है। लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्या वजह है इनका दिमाग नहीं चलता या इनको नहीं समझता, तो इस तरीके से शहर के लोगों का नुकसान हुआ और सिर्फ 92 लाख रुपया हजरत जनाब आली मुफ्ती इस्माइल साहब एमएलए सिर्फ 92 लाख रुपया खर्चा कर पाए, 2.88 करोड़ बेच हो, तो ये हमारे शहर का नुकसान हुआ, मेरे समझ में नहीं आता। अब आगे और मार्च के बाद फिर इनकी लाइन लगी, फिर 4 करोड़ रुपया मिलेगा, तो अगर इसी तरीके से रहा तो हमारे शहर के अंदर एमएलए रहना या नहीं रहने का फायदा क्या, नुमाइंदा किस काम के लिए, ये तो गवर्नमेंट से अलग से फंड ला नहीं पाते। जो इनका हक का पैसा शहरवासियों के लिए गवर्नमेंट देती है 4 करोड़ रुपया, वो खर्च जमीन पे नहीं अगर कर सकते तो इसका मतलब मैं समझता हूँ इनको कोई समझता ही नहीं है ना। तो ये बड़ा नुकसान शहरवासियों का हुआ है। आगे ये कहते थे कि मैं इतना करोड़ ला रहा हूं, उतना करोड़ ला रहा हूं, वो तो कोई करोड़ आया नहीं, 4 करोड़ आया, उसमें से भी 2.88 करोड़ लेप्स हो गया। ये हमारे शहर के लिए बड़ा नुकसानदेह बात है और ऐसे एमएलए हैं जो काम नहीं जिनको करना आता नहीं, ये काम नहीं समझता है, तो ये काम नहीं कर पाएंगे। इसके लोगों को अब आगे के लिए सोचने की जरूरत है। हमको कारपोरेशन के लिए 5 साल का वक्त शहर के लोगों ने दिया, चाहे वो सेना के साथ रह करके हमने मेजॉरिटी चलाई, अल्लाह करम से हम शहर के अंदर आज काम कर रहे हैं। अभी मैं 12 बजे वहाँ पे आयुक्त नगर रचना अतिक्रमण डिपार्टमेंट वाटर सप्लाई इंजीनियर डिप्टी इंजीनियर ब्रिज के जो मैनेजर है ब्रिज वाले का, इन सब लोगों को बच्चा साहब को इनको सबको बुलाया था। रमजान महीना आ रहा है, अभी सभी बारात आ जाएगी, अगले जुम्मे को सभी बारात रहेगी मैं समझता हूँ, और उसके बाद फिर 20 दिन के बाद रमजान आ जाएगा। उन लोगों को लेके बैठने का मकसद ये था जो अभी पहला नासिक वाले का जो सीमेंट रोड का काम चल रहा है, इसको मैं बोला हूँ कि वो दोनों बाजू का जो कुछ हिस्सा रह गया थोड़ा थोड़ा है ना, तो उसको पूरा करने के लिए बोला हूँ। ब्रिज वाले को बोला हूँ कि तू सगात के सामने के जो पट्टा रह गया है, जो लाइन लेवल नहीं हुआ जमीन का धूल उड़ती है, उसको क्लियर करने के लिए बोला हूँ। कुछ आगे जो रास्ता बन गया जहाँ तक दोनों साइड का, उसको चालू करने के लिए बोल दिया हूँ। और वहाँ ये बोला हूँ कि कम से कम हमारे जो ट्रक वाले भाई है, होटल का धंधा करने वाले है, या गैरेज वाले हो गए, या मोटरसाइकिल के बिजनेस करने वाले हो गए, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, उनका अपना बिजनेस है, करना चाहिए। लेकिन रास्ते के लिए रास्ते बन रहे हैं, ये ट्रक वाले कुछ भाई जो है बाकायदा पार्किंग बना ली है,
रास्ते जो बन रहे हैं या कुछ रास्तों काम चल रहे, जैसे कच्चा माल ले गया है तो ट्रक के घड़े कर दे रहे हैं, तो ये जरा उनसे भी मैं गुजारिश करूँ कि आप लोग इससे परहेज करें। अपनी मोटरसाइकिल अंदर दबा के लगाए, होटल वाला कुर्सी अंदर दबा के लगाए, ट्रक वाले सुविधा नहीं होती, लेकिन जब तक के लिए आपका, आप भी शहर के लोग हैं, आप भी टैक्स भरते हो, है ना, आप भी अपना इंतजाम कहीं ना कहीं करें। मेन रास्ता है शहर का, शहर के तमाम इलाके से लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँ कि भाई आप लोग थोड़ा कम से कम एक तो बंद करके चले जाते, गाड़ी लॉक कर देते चले जाते, मैं जाते जाते आते देखते रहता हूँ, इसके लिए उनसे ही मेरी ऐसी गुजारिश है। और पानी मारने के लिए बोल दिया हूँ, जब तक भाई पूरा रोड नहीं होता है तो रोजाना पानी रास्ते के ऊपर मारा जाए, धूल मट्टी बहुत उड़ती है, वही बात रख दिया हूँ। एक तो खुद भी वहाँ आए थे, आगे का जो नाले का काम था उसकी भी लाइन और दे दी गई, आगे इंशाल्लाह वो गटर का भी अंतर पत्र के आगे से गटर का दोनों काम शुरू हो जा रहा है। आज मालेगांव शहर का एक चहल पहल रखने वाला इलाका भंगार बाजार का पूरी तरह से अतिक्रमण जनता दल के लोगों ने खड़े होकर हटवाया, तो इस पर मुस्तफा बंगाल इनाम है स्कूलों से लगता है। जनता दल के जो जिम्मेदार है उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया और उनके मौजूदगी में पूरा अतिक्रमण हटाया, पूरा सुपड़ा साफ हुआ। ऐसा है, अतिक्रमण हटना चाहिए, मैं भी इस राय का हूं। मैंने तो 5 साल पहले इसकी मुहिम चलाया था, लेकिन जब कोई शहर का बंदा खड़े नहीं हुआ था, ना कोई पार्टी के लोग खड़े हुए, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। हमारे बुजुर्ग रहीमा न्यायालय साहब के लोगों को बसाया करते थे, शहरों के कारोबार के लिए बोलो, रहने के लिए बोलो, ये जनता दल वाले बोलते हैं, है ना, झोपड़पट्टी बसा सभा, उनकी बाकायदा कमेटियाँ बनी रही थी, है ना। तो ये आज मैंने जैसे बोलो कि अभी 3-4 अप्रैल से रमजान लग जाएगा, अभी सब बरात है, रमजान है, ये छोटे मोटे धंधे वाले, कोई भी छोटे मोटे धंधे वाला, इधर रोड वाले हो, मोहम्मद अली रोड वाले हो, या फिर अहमद रजा रोड वाले हो, है ना, ये तीनों रास्ते जो है, ये छोटे मोटे धंधा करने वाले लोग हैं, रोज की रोटी रोजी कमाने वाले लोग हैं। पीछे इन्होंने 2 कोविड की मार झेले, कारोबार बंद रहे, बिजनेस कर नहीं पाए, उसमें लॉस हुआ। तीसरा कोविड आया, लेकिन थोड़ा मालेगांव के अंदर डर निकल गया था, तो भी लोगों ने धंधा पानी और अधिकारियों ने भी देख करके इसको समझा। लेकिन ये अजीब बात आप लोगों ने बताया कि जनता दल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे और अतिक्रमण हटा रहे, तो भी ऐसे टाइम जब त्यौहार बार आ रहा है, जब उनका आज लोगों की जरूरत है जिस बात की। हाँ, ये होना चाहिए था कि भाई थोड़ा दबा के लगाओ, साइड से लगाओ, मोटरसाइकिल पड़ा के लगाते थे, गिराए कहते, तो मैं भी देखता हूँ, तो ये तो बराबर बात है। ये तो उन गरीब भाइयों के लिए, गरीब भाइयों के साथ में, है ना, उनकी रोटी रोजी से खेला जा रहा है, और ये बात के लिए अच्छी बात नहीं है। अब ठीक है, उन्होंने अगर अतिक्रमण निकाला है, शायद कानपुर शरीफ भी निकाले भी होंगे, आपके बताने के हिसाब से, मैं तो उधर था नहीं, देखा नहीं, मुझे इनमें भी था नहीं, यदि आप लोग ने बताया तो मालूम पड़ा। तो बहरहाल मैं तो आयुक्त वगैरह साहब से इससे गुजारिश करूंगा, अभी और पूरी डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा, अतिक्रमण वालों से गुजारिश करूंगा कि भाई अभी रमजान आने वाला है, ईद त्यौहार का टाइम है, गरीब भाई है, उनके लिए धंधे पानी का मसला है, कारोबार जरूरी है, है ना, इसके लिए उनके साथ में रियायत बरती जाए।